हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सीमा। आज मैं साबूदाना की खीर बना रही हूँ। नवरात्रा हो, चाहे सोमवारी की व्रत करती हो आप, चाहे ट्यूसडे की फास्टिंग करते हैं कितने लोग, तो उसमें आप बना के खा सकती हो इसको। और ये स्वीट वाले मैं बना रही हूँ, तो स्वीट मतलब हम लोग में यही है जो स्वीट वाला ही कुछ खाते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये साबूदाना बनाने के लिए मैं यहाँ पे पैन रखती हूँ गर्म होने के लिए। और पैन गर्म हो गया है, अभी मैं इसमें साबूदाना डाल दी हूँ। मैं फ्लेम को यहाँ पे हाई रखी हूँ और साबूदाने को भून रही हूँ, और हल्के हाथों से इसको चलाते ही रहना है, इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये जल जाएगा, क्योंकि फ्लेम को मीडियम रखा है यहाँ पे। तो साबूदाना को भूनने में 3 से 4 मिनट लग जाएगा, और साबूदाना जब भून जाएगा तो खुद पता लग जाता है, क्योंकि वो क्या होता है ना, एक एक दो आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, तो मतलब पूरे साबूदाने ऐसे ही व्हाइट व्हाइट हो जाएगा। तो कितने लोग क्या करते हैं, पानी में भिगो के इसको बनाते हैं, और ऐसे भून कर अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है, ये बन के तैयार होता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं इस तरीके से मैं मतलब ऐसे ही बनाती हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दीजिए और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये देखिए, ये लगभग हो गया है, भुन गया है, और ये देखिए थोड़ा डिफरेंट दिख रहा होगा आपको। तो ये देखिए साबूदाना भुन के अच्छे से तैयार हो गया है। तो अभी मैं इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ, और उसके बाद मैं सेम कढ़ाई में मैं खीर बनाऊंगी इसका। आप चाहे तो दूसरे कढ़ाई में बना सकते हैं, मैं सेम इसी में बना रही हूँ। तो ये देखिए मैं दूध डाल रही हूँ, और इतने साबूदाने में मैं आधे कटोरी साबूदाने यूज की हूँ। साबूदाना के लिए मुझे आधे लीटर दूध में अच्छे से हो जाएगा। और मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल रही हूँ, क्योंकि मैं फुल क्रीम दूध यूज की हूँ, क्योंकि फुल क्रीम दूध मोटा होता है, तो इसमें मैं थोड़े से बस पानी डाल दे रही हूँ। ये देखिए मैं बस थोड़ा सा पानी डाली हूँ, और मैं इसको अच्छे से चला देती हूँ। और इसमें उबाल आने के बाद इसमें मैं साबूदाना डालूंगी। तो ये देखिए ये थोड़ा थोड़ा उबलने लगा है, तो अभी अच्छे से उबलने लगा है, इसमें मैं साबूदाना डाल देती हूँ। तो मैं साबूदाने डाल दी हूँ, और इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स भी डाल रही हूँ। तो आप चाहे तो अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं। मैं काजू, 4-5 काजू और 4-5 ये ऑलमंड बादाम होता है वो बादाम, और 8 से 10 किशमिश डाली हूँ। आप चाहे तो सूखा नारियल और डेट्स भी डाल सकते हैं, या अपने चॉइस के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो मैं पहले से काट के रखी हूँ सारे ड्राई फ्रूट्स। तो ये देखिए मैं ये सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ। और इसके बाद ये खीर मतलब हो ही गया है। अभी मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ, तो मैं कम चीनी खाती हूँ तो कम चीनी यूज करती हूँ। आप जितने मीठा खाना पसंद करते हैं उसके हिसाब से चीनी यूज कीजिए। तो ये देखिए मैं बस इसमें 2 चम्मच चीनी डाली हूँ इतने खीर में। मैं इसको अच्छे से चीनी और ड्राई फ्रूट्स को खीर में अच्छे से मिक्स कर देती हूँ एक साथ सभी चीज़ों को। और खीर को इतना ही पतला छोड़ना है, क्योंकि ये जब ठंडा होगा तो सारा सूख जाएगा। तो अगर इतना पतला छोड़ेंगे तो ये अच्छे से ज़्यादा नहीं सूखेगा और अच्छा लगता है तब खाने में, नहीं तो अगर ऐसे थिक बनाओगे तो और भी हो ज़्यादा थिक हो जाता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो ये देखिए खीर हमारा बनके तैयार है, और बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही टेस्टी बना था खाने में। बाय बाय।